चलिए आपको बता देते हैं कि ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड्स क्या कहते हैं, कौन है टॉप पे और कौन है बॉटम पे, किसके बाहर होने के चांसेस बढ़ गए हैं। अब ऐसे में जो नंबर वन पे हैं वो है विवियन डिसेना। जी हाँ, नंबर वन और नंबर टू की जो पॉइंट्स है ना, वो इतने कम हैं कि मतलब आप समझ लो आधे परसेंट से, 1% से ये दोनों ऊपर नीचे हैं। तो यानी कि करण और विवियन, तो नंबर वन पे विवियन है, नंबर टू पे करण डिसेना चल रहे हैं। करण डिसेना, ओ भाई मैंने विवियन के साथ करण को जोड़ दिया, करण मेहरा चल रहे हैं नंबर टू पे। वहीं नंबर थर्ड की अगर हम बात करें तो वहाँ पे अविनाश अपनी जगह बना के बैठे हुए हैं। नंबर फोर्थ पे श्रुतिका चल रही हैं। नंबर फाइव पे कशिश चल रही है। नंबर सिक्स पे बग्गा जी चल रहे हैं। नंबर सेवन पे सारा चल रही है, यानी कि सबसे जो कम वोटिंग हो रही है वो सारा के लिए हो रही है, सारा को वोट्स आ ही नहीं रहे हैं। और अब देखा जाए तो वाकई में बग्गा और सारा का घर में कोई मुद्दा रह नहीं चुका है। बग्गा ने हाँ करण को टारगेट करना चालू किया है, जहाँ पर करण ही गलत भी दिख रहा है, क्योंकि करण पर्सनल जा रहा है, बार बार उसके पॉलिटिकल करियर के बारे में बात कर रहा है, और बग्गा भी उससे बातें निकलवा रहा है। कल के नॉमिनेशन में भी आपने देखा होगा जिस तरीके से बग्गा ने कहा कि अगर तू मुझे बता देगा कि मैं कितने वोटों से हारा हूं तो मैं ये नॉमिनेशन मैं खुद चला जाऊंगा, तुझे सेव कर दूंगा। और वहां पे करण थोड़ा सा फंसता हुआ भी नजर आया था। तो बग्गा का करण के साथ एक मैटर दिख रहा है, लेकिन वो इतना अभी बड़ा नहीं है कि उसको उसके लिए बग्गा को रुकना चाहिए। भाई बग्गा का काम हो चुका है, चाय वाय पी ली है बग्गा ने, अब बग्गा को भी बाहर होना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर हम एक इविक्शन की बात करें, क्योंकि डबल इविक्शन तो है लेकिन एक इविक्शन वो जो आएंगे वाइल्ड कार्ड्स उनमें से होने वाला है, और वहां बड़ा क्लियर है कि अदिति वहां से बाहर जाएंगी और यहां से सारा अरफीन बाहर जा सकती हैं। बाकी आपको क्या है कहना कमेंट में लिखना।